और अमेठी के बाद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को वायनाड से घेरा है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर प्रतिबंधित संगठन का सपोर्ट लेने का आरोप लगाया है। इनके रास्ते खुले हुए हैं, परिवार के नाम का धोखा अमेठी को दे चुके हैं। इस बार वायनाड को परिवार के धोखे में नहीं आना। राहुल गांधी इज नॉट एक्सेप्टेबल टू इंडियन लाइन लाइक प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट, देन व्हाई शुड वायनाड एक्सेप्ट हिम। ये कैसा अलायंस है जो दिल्ली में होगी, केरला में बैठी, दिल्ली में फ्रेंडशिप, केरला में फाइटिंग। पहले अमेठी में हराया और अब स्मृति ईरानी राहुल गांधी की मुश्किलें केरल के वायनाड में भी बढ़ा रही हैं। जिस अमेठी को गांधी परिवार ने अपना परिवार कहा, उस अमेठी में पहली बार 4 लाख परिवारों को, 16 लाख नागरिकों को घर में शौचालय तब मिला जब मोदी प्रधानमंत्री बने। मौका बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन के नॉमिनेशन का था और नॉमिनेशन से पहले वायनाड में स्मृति ईरानी ने एक बड़ा रोड शो किया। रोड शो में हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। पूरा इलाका भगवा झंडों से पट गया। तस्वीरें ऐसी लग रही थी मानो ये केरल का वायनाड नहीं बल्कि उत्तर भारत का कोई शहर हो। पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ वायनाड में स्मृति ईरानी का रोड शो शुरू हुआ और शुरुआत में ही स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जोरदार अटैक करना शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूँ, 50 साल जिस अमेठी को गांधी खानदान ने अपना परिवार कहा, उस अमेठी में कलेक्टर का ऑफिस पहली बार तब बना जब मोदी की सरकार बनी। 50 साल जिस अमेठी को गांधी परिवार ने अपना परिवार कहा, उस अमेठी में पहली बार 4 लाख परिवारों को, 16 लाख नागरिकों को घर में शौचालय तब मिला जब मोदी प्रधानमंत्री बने। वायनाड में बीजेपी का ये पहला रोड शो था। इसके लिए पार्टी की तरफ से जबरदस्त तैयारी की गई थी। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को जमा किया गया था। जिन रास्तों से रोड शो को गुजरना था उन्हें भगवा झंडे और पार्टी के पोस्टरों से पाट दिया गया। स्मृति ईरानी ने भी हाथों में तीर धनुष लेकर केरल में राम लहर का मैसेज देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि केरल आकर भी राहुल गांधी को अपनी जीत के लिए PFI जैसे प्रतिबंधित संगठन की मदद लेनी पड़ रही है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं कि सत्ता का इतना लालच क्यों? Why such hunger for power that you will take support from banned PFI leaders as well? अगर दम है तो SDPI के समर्थन को ठुकरा कर देश को संदेश देने की हिम्मत रखे राहुल गांधी। एक दिन पहले राहुल गांधी ने वायनाड में अपना नामांकन भरा था। राहुल गांधी ने भी नामांकन से पहले वायनाड में बड़ा रोड शो किया। राहुल के साथ रोड शो में बहन प्रियंका गांधी भी थी। राहुल के रोड शो में काफी भीड़ उमड़ी। आरोप है कि राहुल के रोड शो में मुस्लिम लीग और PFI के सपोर्टर्स भी थे, लेकिन सबको सख्त हिदायत थी कि कोई भी अपने संगठन का झंडा लेकर नहीं चलेगा। इसलिए राहुल के रोड शो में भीड़ तो थी लेकिन किसी पार्टी का झंडा नहीं था। इसी पर स्मृति ईरानी ने तंज कसा कि राहुल गांधी प्रतिबंधित संगठन का समर्थन तो लेना चाहते हैं लेकिन वो इसे दिखाना नहीं चाहते क्योंकि इससे उन्हें उत्तर भारत में वोट मांगने में परेशानी होगी। कांग्रेस पार्टी के नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के फ्लैग्स को छुपाना इस बात का संकेत है कि या तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन से शर्मसार हैं या फिर जब वो उत्तर भारत में आएंगे और मंदिर मंदिर जाएंगे तब लोगों से उत्तर भारत में मुस्लिम लीग के साथ उनके गठबंधन को छुपा पाएंगे। मैं केरला आकर और विशेषतः वायनाड आकर देखकर ये स्तब्ध हो गई हूँ, आश्चर्यचकित हूँ
कि पीएफआई जैसी आतंकवादी संगठन के बैन के बावजूद पीएफआई के पॉलिटिकल लीडरशिप से राहुल गांधी समर्थन अपने चुनाव के लिए ले रहे हैं। इसके बाद स्मृति ईरानी ने वायनाड के उस बैंक घोटाले का जिक्र किया जिसके आरोप में केरल प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव के अब्राहम जेल में है। वायनाड के सहकारी बैंक में घोटाला तब हुआ जब अब्राहम इसके अध्यक्ष थे। ईडी ने पुलवली सेवा सहकारी बैंक घोटाले में अब्राहम को गिरफ्तार किया है। वायनाड वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पर पुलवली बैंक की वजह से 120 करोड़ का घोटाला 420 कांग्रेस वालों ने किया है, करेक्ट? कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी जेल में है कि नहीं है, है ना? अमेठी की तरह स्मृति ईरानी वायनाड में राहुल पर ताबड़तोड़ अटैक कर रही थी और हर बार की तरह इस बार भी राहुल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हाँ, लेफ्ट की तरफ से जरूर स्मृति ईरानी को जवाब देने की कोशिश की गई। वायनाड में लेफ्ट की तरफ से उम्मीदवार एनी राजा के पति और सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम को मुद्दा बनाकर चुनावी फायदा उठाने की कोशिश करती है। बीजेपी इट्स लीडर्स डू नॉट हैव एनी अदर इश्यू टू टेल द पीपल टू डिस्कस विद द पीपल एंड दे स्टिल बिलीव इन हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट and Hindu-Muslim divide, thereby taking advantage in elections. It is nothing but politicalizing, communalizing the whole election scene in Kerala. And